आफ्टरनून का व्लॉग है ये, और आज संडे है तो लेट तक सोना मस्ती करना। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो है मेरी स्किन रूटीन पे। ये वीकली स्किन रूटीन है, डेली स्किन रूटीन नहीं है, क्योंकि मैं अपने फेस पर डेली कोई भी सोप, कोई भी वॉश या कोई भी केमिकल्स जो यूज़ करते हैं, मीन्स मास्क, भले वो हर्बल हो या ना हो, मैं यूज़ नहीं करती। तो आज संडे है तो आज सोचते हैं कि अपना थोड़ा सा स्किन ट्रीटमेंट ले लिया जाए। तो चलिए दिखाते हैं कि मैं अपने फेस के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो पहले जो मेरा फेस वॉश है वो है ये गुड वाइब्स का पोमग्रेनेट, ये वाला पोमग्रेनेट, और ये बहुत ही फ्रूटी है, बहुत ही टेक्सचर का सॉफ्ट, एकदम जेली टाइप का है। आप जब इसको यूज़ करोगे फेस पे तो आपको एकदम रिफ्रेशमेंट होगा। पर इसमें जो ये पोमग्रेनेट लिखा है, इसका मतलब पोमग्रेनेट टाइप का बिल्कुल भी नहीं, तो ये स्मेल करता है बिल्कुल भी, मतलब पोमग्रेनेट तो इसमें मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि कोई ग्रैनुल्स नहीं है, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है। हाँ, इसके अंदर से जो स्मेल आती है वो कुछ पपाया वपाया फ्रूट की तरह है। तो चलिए यूज़ करते हैं पहले ये, क्योंकि पहले मैं अपने फेस को इसी से वॉश करती हूँ। चलिए देखते हैं। तो इसकी एक से दो ड्रॉप काफ़ी है, और उसके बाद फेस पे इसे रब कर लेना है। तो इसे रब कर लेते हैं। फेस वॉश को लगाने के बाद इसे थोड़ा सा मसाज देना पड़ता है फेस को, ताकि जो आपके डर्ट वर्ट है वो सारी निकल जाए, और उसके बाद आपका जो फेस है वो काफ़ी फर्म लगने लगता है। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ एंड जेरेनियम, ये रोज़ एंड जेरेनियम स्क्रब है, वो यूज़ करती हूँ। इसमें भी एक है कि इसमें जेरेनियम तो लिखा है, बट जो इसके पर्पल, मैंने इसे पर्पल से मंगाया था, जो आप पर्पल की साइड पे जाके इसका आइटम्स का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें इस ये लिखा है रोज़ एंड पोमग्रेनेट। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जेरेनियम है, पोमग्रेनेट नहीं है। जेरेनियम आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपकी एज 30 के ऊपर है तो आपके फेस पे जो एंटी एजिंग के साइन आते रहते हैं, रिंकल्स आते रहते हैं, थोड़े पैचेस आने लगते हैं, वो सारे ये लाइट करता है। ख़त्म तो मुझे नहीं लगता है होता होगा, पर ये बहुत लाइटनिंग कर देता है उसे। तो फिर मैं ये इसका यूज़ करूँगी, इसका जो इस टाइप से है, ये वाइट है, कुछ लाइट पिंक पिंक टाइप का है इसमें स्क्रब, और इसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रैनुल्स दिख रहे हैं, वो पता नहीं किसके ग्रैनुल्स हैं, तो उसमें तो पोमग्रेनेट लिखा है, मे बी हो सकते हैं उसके ग्रैनुल्स हों। तो इसे मैं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, और इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। हाँ, इसके अंदर एप्पल एक्सट्रैक्ट हैं, ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं, शुगर केन, रोज़ एंड जेरेनियम, पर इसमें कहीं भी मुझे पोमग्रेनेट नहीं दिख रहा है। ओके, इसमें वॉलनट दिख रहा है, तो ये जो छोटे ग्रैनुल्स हैं वो वॉलनट्स के हो सकते हैं। तो अब मैं इसे यूज़ करूँगी अपने फेस पे। इसको बहुत ही हल्के हाथों से आप स्क्रब कीजिए, अपने फेस को इस तरह रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना आराम से रगड़ेंगे आपकी स्किन उतनी अच्छी रहेगी। मेरी स्किन में अभी तक वैसे कोई पिंपल्स नहीं आए हैं, मेरी 34 हो गई, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड।
मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ कॉस्मेटिक, चाहे वो हर्बल शो करे या ना करे, बहुत कम यूज़ करना भी होता है तो मैं बेसन का ऑप्टन या हल्दी वल्दी यूज़ कर लेती हूँ। और कुछ प्रोडक्ट्स मुझे इसके अच्छे लगे तो मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे ये गुड वाइब्स का फेस वॉश अच्छा लगा मुझे और स्क्रब अच्छा लगा तो इसे यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से, इससे आपके ना ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल जाते हैं। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है तो मेरे में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स तो नहीं है, बट मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा। तो इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और अब वॉश कर लेते हैं। टेक्स्चर का नहीं है तो आप जब वॉश करो तो बहुत आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल एकदम स्टिकी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है, पहले मैं अपना फेस थोड़ा सा ड्राई कर दूँ। और प्लीज़ बहुत रगड़ के अपने फेस को आप मत क्लीन करिए, हल्के हल्के पैट करके करिए। इससे क्या होता है ना, क्योंकि आपने स्क्रब किया है तो आपकी स्किन के पोर्स ऐसे भी ओपन होने लगते हैं, तो थोड़ा सा डेलिकेटली करिए। तो ये मेरा पैट हो गया स्किन, और अब मैं यूज़ करूँगी अपना फेस पैक। फेस पैक में मैं बायोटिक का यूज़ कर रही हूँ। बायोटिक के प्रोडक्ट्स मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अपनी बेटी के लिए भी और मेरे अपने लिए भी। इवन इसका ऑयल भी मैं यूज़ करती हूँ, ब्रिंगराज करके, वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी तक उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना तो मेरे हेयर फॉल में प्रॉब्लम है, ना किसी चीज़ में हुई है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये बायोफ्रूट वो ये है पैक है। इसके अंदर आपको मिलेगा बहुत सारे फ्रूट्स, जैसे पपाया है आपके, पाइनएप्पल के जूस हैं, और इसके अलावा इसके अंदर आपको मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी के अलावा आपको गेरू जो होता है, बहुत टाइम पहले हम लोग की नानी दादी भी हम लोग को गेरू यूज़ करने के लिए फेस पर को, वो रेड कलर का होता है। कभी कभी आप देखो कि जो गमले होते हैं उनमें कलर करने के भी काम आता है, तो वो गेरू होता है वो है। मेरी स्किन सेंसिटिव भी है, मे बी इस वजह से या कुछ और वजह से, इसे लगाने के 3 से 4 मिनट तक आपको थोड़ी सी बर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी बर्निंग होती है। मैंने ये देखा है, बाकी किसी में को हो या ना हो वो कोई बात नहीं, पर मुझे बर्निंग फील होती है। तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर बिल्कुल गेहूँ की तरह ही है, ये इस तरह से, ये देखिए। और मे भी हो सकता है कि इसके साइट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे पाइनएप्पल है, आपके पपाया भी हैं, तो उनकी वजह से भी इचिंग हो सकती है या बर्निंग हो रही हो। तो इसे यूज़ कर लेते हैं फेस पे, आइस के अगल बगल लगाइए, आइस के अंदर ना जाए। और इसे लगाने पर आपको थोड़ा सा गर्म भी, और मुझे लग रहा है इसकी तासीर भी थोड़ी गर्म है गेहूँ की वजह से, तो अब मुझे इसमें से बर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो हल्के हल्के इसे कर लीजिए नोज पे, और मैं नेक पे फ्रंट में थोड़ा बैक में लगाती हूँ। मेरे नोक एक्चुअली मेरे जो नेक है ना वो फ्रंट में और बैक में दोनों में ब्लैक नहीं है, बिल्कुल भी टैनिंग नहीं है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब इसे मैंने अच्छे से लगा लिया है, बर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, तो अब इसे 5 मिनट्स के लिए ड्राई होने देते हैं। हवा में बैठ जाओगे तो 5 से 10 मिनट्स लगेंगे, और नॉर्मल अगर ऐसे रहेंगे तो 15 से 20 मिनट्स लगते हैं। तो 15 से 20 मिनट्स के बाद इसे वाइप आउट कर देंगे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मेरा फेस आखिर कैसा ग्लो कर रहा है। 10 मिनट्स हो गए हैं और अब देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो अब इसे वॉश कर लेते हैं।
तो ये है, आप देख सकते हैं डिफरेंस तो आ जाती है फेस क्लीन करने पे। और इसके बाद मेरी जो स्किन है वो काफ़ी लाइट फील हो रही है, काफ़ी लाइट। तो अब मैं यूज़ करूँगी इस पे रोज़ वाटर, तो आइए दिखाते हैं आपको रोज़ वाटर। तो मैं अभी ये रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, ये है स्टैटले एसेंशियल का क्लिंजिंग वाटर, रोज़ वाटर है ये। इसकी एम आर पी है 200 रुपीज़, ये मुझे 160 का पड़ा है शायद अमेजन से। तो मैंने इसे यूज़ किया है, इसके अंदर ग्लिसरीन परफ्यूम है, रोज़ एक्वा है, स्प्रे बॉटल में है, तो आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये बस इसे फेस के पास रखिए एंड पुश कर दीजिए इसको। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा स्किन रूटीन है जो मैं वीकली अप्लाई करती हूँ, डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ। और आप देख सकते हो इसकी वजह से मेरे स्किन में कहीं पे भी कोई टैन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप केमिकल्स के लिए रहेंगे कि केमिकल्स ही यूज़ करना है, भले वो बहुत हर्बल हो या किस तरह हो, तो अगर लेकिन आप यूज़ कर रहे थे उसकी स्किन पे तो आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या प्रॉब्लम्स दिखेंगी। तो अच्छा यही है कि आप थोड़े से होममेड जो होते हैं प्रोडक्ट्स वो यूज़ किया कीजिए, लाइक उपटन यूज़ कर लीजिए बेसन का, आप ओट्स के भी बना सकते हो, आप राइस के बना सकते हो, फ्रूट्स में पपाया के बना सकते हैं, टमाटो के बना सकते हो। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने घर में मिल जाती हैं और आप उसे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड आज था का मेरा वीडियो था मेरी स्किन रूटीन पे, और नेक्स्ट वीक मैं आपसे मिलूँगी किसी और नए रूटीन के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।